लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। एक 100 करोड़ की जायदाद की वारिस अकेली लड़की अपने बाप के 1000 मना करने पर भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली फैमिली के लड़के से शादी तय करती है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि टिंकू को समाज में उसकी जगह दिलवाऊंगी और रमेश को उसके किए की सजा भी जरूर दूंगी। तमाम सबूतों और चश्मदीद गवाहों के बयान की रोशनी में ये अदालत रमेश चंद को रश्मि रोशन लाल के कत्ल का मुजरिम करार देती है और दफा 302 के तहत उसे सदाए मौत का हुक्म सुनाती है। आप इसे यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि रमेश ने यह कत्ल नहीं किया? क्योंकि इसका असली सबूत मेरे पास है। असली सबूत? आप इस वक्त कहां पर हैं? मैं हेलो 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 हेलो। और अगर तुम समझते हो कि रश्मि का कातिल कोई और है तो जाओ, 8 दिन के अंदर रमेश की बेगुनाही के सबूत ले। यस। तो बिल्कुल फिक्र मत करो रमेश, रश्मि और गीता के कातिल को गिरफ्तार करना मेरा काम है। मुझे मिला सेल, मतलब कोई रिश्ता है जरूर इन चीजों। एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ रेंचो प्यारे, पेजर में जो चीज प्रिंट हो रही है उस पर है 10th January 11:35 PM। अरे ऐसा ही तो कुछ रश्मि की रिपोर्ट में भी था, 10th January 11:12 PM। गॉड, पेजर है मोबिलिंग मुंबई का, इसका मतलब कातिल यहाँ नहीं मुंबई में है। तो रेंचो कमन कमन फास्ट आ जा रहा है। और रेंचो
एक मिनट जरा मुझे चेक कर लेने। एक पैर का निशान छोटा है, एक पैर का निशान बड़ा है। मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है दोस्त। क्लूज तो बहुत सारे मिल गए। चल अब चलकर इन पर काम करते हैं। आ जा, शाबाश। मिस्टर बाटवे जी, क्या बता सकते हैं कि ये पेजर किसका है? हाँ मिस्टर राजा, हमने ये पेजर और इसके साथ और 19 पेजर 24 दिसंबर को होटल चांदनी पैलेस वालों को भेजे थे। 24 दिसंबर को होटल चांदनी पैलेस वालों को? या थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मैं हेल्प यू? या ऑफ कोर्स। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे इस पेजर के बारे में। क्या बता सकती हैं ये पेजर आपने किसे दिया था? ये पेजर उस पेजर में से एक है जो हमने न्यू ईयर पार्टी में लकी विनर्स को दिया। न्यू ईयर इवनिंग की पार्टी में लकी विनर्स को दिया। तो उनके नाम और एड्रेसेस तो होंगे आपके पास? नो सर, वी डोंट हैव एड्रेसेस। ऑलराइट मैडम, थैंक यू वेरी मच। और रेंचो चलें। Rancho, come on, fast. आइए राजा साहब, आइए। वेलकम, आइए बैठिए। थैंक यू राजा साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आजकल आपने मुजरिमों के लिए काम करना शुरू कर दिया है? शरीफों ने भी तो मुझ पर कातिलाना हमले करने शुरू कर दिए हैं मिस्टर गुप्ता। क्या मतलब? शरीफों का मतलब समझाऊं या कातिलाना हमले का? साफ साफ कहिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी गाड़ी MS04AP6300 से आपके गुंडों ने मुझ पर कातिलाना हमला किया, सिर्फ इसलिए कि मैं रश्मि के कातिल तक ना पहुंच पाऊं। MH04AP6। चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए गुप्ता, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने अपनी उसी गाड़ी का 2 दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पर मैं यहां आपसे हमले की सफाई मांगने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको एक अच्छी सी सलाह देने के लिए। कैसी सलाह? मिस्टर गुप्ता, अगर अभी तक आपने अपनी कोई वसीयत नहीं बनवाई है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। और एंचो ले लीजिए 50 लाख रुपए जो आपने मांगे। ये है, ये रश्मि की वसीयत। आप वसीयत पढ़िए, तब तक मैं नोट गिन लेता हूँ। पैसों के मामले में मैं अपने बाप तक पे भरोसा नहीं करता। या राजा हेयर। सर, मैं इंस्पेक्टर महादेव बोल रहा हूँ। एडवोकेट बद्री प्रसाद का उनके ऑफिस में खून हो गया है। व्हाट? जी। तो वहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। बच्चों, तुम उधर जाकर देखो। सर बुद्धे,
जी सर। यहाँ की किसी चीज को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं, हमें आपका इंतजार था। कमिश्नर साहब की खास हिदायत थी कि जब तक आप ना आ जाएं, किसी भी चीज को हाथ ना लगाया जाए। गुड, वेरी गुड। और वो गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? वो सर 3 दिनों की सरकारी छुट्टी थी, इस वजह से कल ही हो पाया है। वो रिपोर्ट आज शाम तक आपको पहुंचा दी जाएगी सर। ठीक है बुद्धे। क्या है वहां? एक मिनट, क्या है रंचो? वेरी गुड, ये तो असली वसीयत है। थैंक यू रंचो। रंचो चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। शाबाश सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछो। सर ये बताइए कि रश्मि की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस या मालिक कौन होगा? राजा, बचपन से ही रश्मि की जायदाद का ट्रस्टी गुप्ता रहा है, और अब जब रश्मि इस दुनिया में रही नहीं, तो जाहिर है कि गुप्ता ही उसका वारिस बना रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर। अब जरा ये वसीयत की कॉपी एक बार पढ़ लें। अब आप बताइए सर, वसीयत की ये कॉपी अगर अदालत में जमा कर दी जाए तो भी क्या गुप्ता रश्मि की जायदाद का वारिस बना रह सकता? नहीं, इस वसीयत के हिसाब से तो गुप्ता ट्रस्टी नहीं रहता। यस सर। सर थैंक यू बंगाड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ गीता। ओह गॉड, गीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। गीता मेरी पेशेंट ही नहीं, वो मेरी फैमिली फ्रेंड भी थी। जिस किसी ने भी उस मासूम की हत्या की हो, वो कभी चैन से नहीं रह सकता। आप जानते हैं डॉक्टर, मरने से पहले गीता 4 महीने के गर्भ से थी। मैंने अभी कहा ना, वो मेरी पेशेंट थी। इनफैक्ट गीता तो बच्चे को जन्म देना चाहती थी, मगर वो विकी, ना वो उसे शादी करना चाहता था, ना ही वो चाहता था कि गीता बच्चे को जन्म दे। हमेशा दोनों में झगड़ा होता था। कौन विकी? गीता's फ्रेंड। I just can't stand him. एक नंबर का लोफर है वो। विकी का कोई टेलीफोन नंबर या एड्रेस है आपके पास? जी नहीं, एक फोटोग्राफ है शायद, हमारे घर पार्टी में आए थे। दिस वन। मेरी अगर कोई जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। समझिए कि कातिल पकड़ा गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। भाई। सर क्या नाम है तुम्हारा? किशन। किशन, इन्हें पहचानते हो तुम? ये विक्की साहब है, गीता मैम साहब के खास दोस्त। अच्छा, इनका कोई पता है तुम्हारे पास? कोई टेलीफोन नंबर? टेलीफोन नंबर तो नहीं मालूम साहब, पर हमेशा अक्सर 3 इक्का क्लब के वास्ते रिक्शा मंगावा था। 3 इक्का क्लब, इसे पहचानते हो? क्या है साहब, ये तो हमारा रोज का ग्राहक है। अच्छा हाँ, तो इस वक्त होंगे क्या अंदर? अभी तक तो नहीं है, और उनके आने का कोई टाइम भी नहीं है। कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जाने का वक्त है रात को 2 बजे, बार बंद होने के बाद। अच्छा अच्छा, इनके घर का पता तो मालूम ही होगा तुम्हें, इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा? हाँ मालूम है साहब।
हेलो सर, इतनी रात में आपको तकलीफ दे रहा हूं, आई एम सॉरी। राजा, मैं तुमको फोन करने वाला था। अच्छा, कोई खास बात? तुम्हारा अंदाज सही निकला। जिन गोलियों पर उंगलियों के निशान लेने को कहा था तुमने, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उन गोलियों पर उंगलियों के निशानात हैं। एक्सलेंट सर, आप वो रिपोर्ट लेकर अभी यहां आ सकते हैं? इस वक्त? सर, दरअसल बात यह है कि मुझे वो जूते मिल गए हैं जो कातिल ने रश्मि का कत्ल करने वाली रात को पहने थे। उनमें मिट्टी भी लगी हुई है। सर, अगर आप वो रिपोर्ट लेकर यहां आ जाएं और साथ में दो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी ले आ जाएं। हाँ राजा, एड्रेस बोलो। यस असलम, रमेश, क्या रिपोर्ट? सर, दोनों मिट्टी एक ही है। गुड। निशाना से यहाँ दे। सर? क्या? वेरी गुड, एक्सेलेंट। सर, काफिल कर।